पास से ताली नहीं बजती है। एक मछली काफी तालाब को गंदी कर देती है। मतलब जो डोरी वाला जो सॉन्ग है, क्या आप लोग अपने परिवार के बीच में देख सकते हैं उसको? मैं अचानक, सर ने मेरा रील्स बनाया था पैर से खींचने का, वो थोड़ा सा यूनिक हो गया। स्वागत है आपका अकादमी शासी स्टॉक में। जैसा कि अभी हम लोग बनारस में है, महाजोगी ने मिली बनारसी में है, तो जैसे कि आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ कलाकार को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिनको सम्मानित भी किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ सुनीता सिंह का मैम है और उनके सर है। जैसा मतलब की क्या, मतलब किस तरीके से अलग, किस तरीके से आप काम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या अलग है, किस तरीके से क्या फिल्में वगैरह भी आपकी आ रही है? इतना जाने रीत, वो भी एकदम परिवार में, परिवार की मूवी है, बहुत अच्छी है। और हम लोग जब भी साथ में मस्त सर के साथ मेरा काम होता है, हमेशा मैं, हम ही लोग का छोटा सा टीम है, एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा सा टीम है। और हम लोग बहुत ही अच्छा सॉन्ग करते हैं, और मतलब साफ सुथरा सॉन्ग करते हैं। अभी मेरा सॉन्ग चढ़ा हुआ है नैया नैया 2, काफ़ी जितने भी मैंने सॉन्ग बढ़िया बढ़िया किए हैं सब मिलियन में है, और 40 मिलियन भी है। ऐसा नहीं कि सभी लोग बस थोड़ी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा सॉन्ग भी देखते हैं। तो आपका एक रील बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था मैम, शायद वो कल्लू जी का गाना था शायद चुगू चुगू, मतलब जो भोजपुरी देखता होगा तो वो उस रील को तो जरूर ही देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह, उसके लिए क्या कहिएगा? जी मैं अचानक, सर ने मेरा रील्स बनाया था पैर से खींचने का, वो थोड़ा सा यूनिक हो गया। मतलब वो मेरे पैर को खींच रहे हैं तो मैं सरक के थोड़ा नीचे आ जा रही हूँ, तो वही मुझे भी पता नहीं था कि मैंने जैसे ही पोस्ट किया, मैंने उस पर टैग तो कुछ नहीं डाला, जैसे ही पोस्ट किया तो देख रही थी 26 मिलियन। और कल्लू जी ने भी मुझे मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने भी लिखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा उनका भी मुझे देख के मैसेज। तो बाद में मैंने देखा कि सबसे ट्रेंडिंग में चल रही हूँ मैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैंने एक सॉन्ग उनके और भी बनाए थे, उसमें भी 10 मिलियन 12 मिलियन 9 मिलियन जितने भी उनके साथ मैंने रील्स उनके साथ गाने पे बनाया है उनका, हर मतलब मिलियन मिलियन। सर मैम, जैसे सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लोग जैसे कि भोजपुरी में आना चाहते हैं, जो मतलब प्रतिभाशाली हैं, तो क्या उनकी प्रतिभा को यहाँ पे मतलब कि दिखाया जाता है या बढ़ाया जाता है, या फिर किस तरीके से, क्या उनसे कुछ मतलब कि अश्लील काम तो नहीं कराया जाता, मतलब किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया बात बोले आपने। कितने भी घर के मेंबर होते हैं ना, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं डालना चाहते। हाँ वही एक रीजन है, जो हम दिखाएंगे वही दिखेगा पक्का, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही चलती है। जी जी वही मैं जानना चाहता हूँ। अभी मैंने एक ग्रुप का इंटरव्यू दिया था, मैंने तो मैंने बात किया था, मैंने तो वहाँ पे बोले थे कि क्या कॉम्प्रोमाइज वाली बात आती है, एक के वजह से काफी लोग बदनाम हो रहे हैं। कभी भी बदनामी, मतलब ये जो काफी बदनामी, जैसे कहते हैं ना एक मछली काफी तालाब को गंदी कर देती है, मतलब मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी ये सब चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हाँ उठेंगे, अगर हमारे पास टैलेंट होगा तो धीरे धीरे करके उठेंगे। एक ही बार उठना बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ही बार आदमी कहा, एक ही बार पहुंचता फिर नीचे ही गिरना उसको। तो दोस्तों बता जाएंगे 100 की सीधी एक बात, अगर आप में प्रतिभा है तो आप अपने आप को मतलब दिखाइए, मतलब कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपने प्रतिभा पे अपने ऊपर विश्वास रखिए और बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सर ने और मैम ने बताया कि आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, अपने साथ बढ़िए। रील बनाते तो रील बनाइए, वायरल तो होंगे ही। तो जरिया दिया है लोगों ने रील्स के माध्यम से। जी जी जी, आजकल तो लोग घर घर की लड़कियां या औरतें सब बना रही हैं, बच्चे बच्चे टैलेंट दिखा रहे हैं अपना, तो आप लोग वहीं से मतलब अपना टैलेंट दिखाइए। तो ठीक है दोस्तों, चक्कर में मत पड़िए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमने इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं और मैम को भी जाने देते हैं क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। तो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, और वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा मैम।